अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का सलूशन प्रोवाइड किया है और ये एक्सरसाइज है चर्चिल की बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और इसका टाइटल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट है। इस ए पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड को जस्ट सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड टर्म है उसमें हमने आयोटा को इन साइड मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस आयोटा वन से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस अंडर टू एज इट इज और आयोटा स्क्वायर इसके साथ आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू अंडर टू माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस वन है तो ये माइनस अंडर टू आ गया। माइनस अंडर आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है माइनस वन के इक्वल होता है, तो अंडर टू से कैंसल और आंसर हमारे पास रह गया माइनस टू आयोटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन वन का बी पार्ट में ये आपको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में गिवन है, ऑर्डर पेयर गिवन है और हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर पेयर की तरह भी लिखा जा सकता है और इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये जो राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इसको मैं इनको मैंने ये इक्विवेलेंट जो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि टू माइनस थ्री जो ऑर्डर पेयर है इसको टू माइनस थ्री आयोटा और सिमिलरली बाकियों को भी इसी तरह मैंने लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास ऑर्डर पेयर थे इनको जस्ट हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई करना है, टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर, फिर टू को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू आयोटा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस थ्री आयोटा इंटू माइनस टू ये हो जाएगा प्लस सिक्स आयोटा और माइनस थ्री आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर। माइनस फोर दिस इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस सिक्स टू आयोटा प्लस सिक्स आयोटा इज इक्वल टू एट आयोटा और आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस वन होगा तो प्लस थ्री आ जाएगा आपके पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन और एट आयोटा एज इट इज और एट आयोटा जो है वो हमारे पास जो राइट हैंड साइड का जो ऑर्डर पेयर है वो ही आ रहा है। क्वेश्चन वन का सी पार्ट अगेन ऑर्डर पेयर को जो है वो हम इक्विवेलेंट जो फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं, वन ओवर फाइव कॉमा वन ओवर टेन ऑर्डर पेयर जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा वन बाय फाइव प्लस वन ओवर टेन आयोटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो हम डाल देते हैं थ्री प्लस आयोटा इंटू थ्री माइनस आयोटा इंटू वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर टेन आयोटा। अब तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो तीन में से पहले हम दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया, थ्री माइनस थ्री आयोटा प्लस थ्री आयोटा और प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया और जो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एज इट इज आप लिख लेंगे, थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा प्लस थ्री आयोटा कैंसल, आयोटा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा तो नाइन प्लस वन आ गया और वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर टेन आयोटा एज इट इज आ गया, नाइन प्लस वन टेन इंटू वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर टेन आयोटा। तो इस टेन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव से टेन कैंसिल होकर टू और टेन को टेन से कैंसिल करेंगे तो टू प्लस आयोटा और यही हमारे पास राइट हैंड साइड का ऑर्डर पेयर आ गया। क्वेश्चन टू के ए पार्ट में हमने शो करना है कि रियल ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ सेट। लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y और यहाँ से
इमेजिनरी ऑफ जेड नोट करें, इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो अयोटा का कोफिशेंट होगा और इस केस में वाई है, तो इमेजिनरी ऑफ जेड वाई के इक्वल आ गया। अब जेड को हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा इंटू एक्स और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा इंटू वाई, अगेन अयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो अब इसको आप लिख लें माइनस वाई प्लस अयोटा एक्स। ठीक है, अब इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो माइनस वाई है और y जो है वो इमेजिनरी ऑफ z के इक्वल है। पार्ट एक की ही कैलकुलेशन को यूज करते हुए जो अयोटा z का इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल टू x है और x जो है वो रियल ऑफ z के इक्वल है। क्वेश्चन थ्री में हमने 1 प्लस z होल स्क्वायर को शो करना है कि इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2z प्लस z स्क्वायर, तो 1 प्लस z स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं लिख लूंगा 1 प्लस z इनटू 1 प्लस z, और क्योंकि हमें पता है z स्क्वायर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख सकते हैं z इनटू z। अब हम जस्ट सिंपली हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को z से मल्टीप्लाई किया, फिर z को 1 से किया और z को z से z स्क्वायर, तो z प्लस z जो है वो हमारे पास 2z आ गया प्लस z स्क्वायर आ रही थी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन फोर में हमें ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 और इसके लिए दो वैल्यूज दी गई हैं, तो पहले हम z को 1 प्लस अयोटा लेके पुट करते हैं, तो 1 प्लस अयोटा स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस अयोटा प्लस 2, इसको अभी हमने इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर माइनस 1 आ गया और प्लस 2 योटा, सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 2 योटा माइनस 2 योटा प्लस 2, माइनस 1 से कैंसिल और ये सारे टर्म्स कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ गया। अब नेक्स्ट हम जेड को 1 माइनस योटा पुट करते हैं जो इक्वेशन गिवन है, z की जगह आ गया 1 माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस अयोटा प्लस 2, फिर हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा, ये स्क्वायर ओपन करने के बाद टर्म्स आ गई, फिर सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2 प्लस 2 अयोटा प्लस 2, अगेन टर्म्स कैंसल आउट होगी और हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हमने अब प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। z1 को हम सपोज कर लेते हैं इक्वल्स टू x1 प्लस iota y1, z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस iota y2। अब ये जो x1 y1 x2 y2 है ये सारे जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है z1 इंटू z2 उसमें हम z1 और z2 की वैल्यू पुट करेंगे, z1 की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस अयोटा y1 इंटू x2 प्लस अयोटा y2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा प्लस x1 को अयोटा y2 से करेंगे तो x1 अयोटा x1 y2 प्लस अयोटा y1 x2 और जो अयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और y1 माइनस y1 y2 आ जाएगा। रियल पार्ट एक जगह कर देते हैं तो x1 x2 माइनस y1 y2 ये रियल पार्ट आ गया और जबकि अयोटा कॉमन लेके हम जो x1 y2 प्लस y1 x2 x2 इंटू x1 माइनस y2 माइनस y1, क्योंकि ये x2 x1 y1 y2 दे आर रियल नंबर्स और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसलिए हमने इनको इनकी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है। इसी तरह आप y2 को पहले ले आए x1 y2 x1 प्लस x2 y1, इसको इक्वेशन 1 का हम नाम दे देते हैं।
सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है जेड टू जेड वन, तो जेड टू की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे और इसी तरह जेड वन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन जो ऑलरेडी हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जो है रियल पार्ट्स को एक जगह लिख लेंगे, विच इज एक्स टू एक्स वन माइनस वाई टू वाई वन, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें हम आयोटा जो है वो कॉमन ले लेंगे। और ये जो आयोटा वाले जो वैल्यूज हैं इनमें हम y2 x1 को जो है वो इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, y2 x1 को पहले ले आएंगे बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन भी रियल नंबर्स में, और x2 y1 ताकि ये बिल्कुल हमारी इक्वेशन 1 की तरह की फॉर्म बन जाए, तो इट्स को हम इक्वेशन 2 कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में ए पार्ट में हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, तो जेड वन को हम चूज कर लेंगे ए प्लस आयोटा बी, जेड टू को हम सपोज करते हैं सी प्लस आयोटा डी, एंड जेड थ्री इज इक्वल टू ई प्लस आयोटा एफ। ये सारे जो ए बी सी डी ई और एफ हैं दे आर ऑल रियल नंबर्स। सो नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री है, तो जेड वन की वैल्यू पुट कर दे, फिर जेड टू की वैल्यू पुट कर दे, नेक्स्ट हमने जेड थ्री की वैल्यू पुट कर दी। अब जो ब्रैकेट में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उनको ऐड करेंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे तो सी प्लस सी आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करेंगे तो डी प्लस एफ आ जाएगा, तो फिर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। अगेन इनको ऐड करेंगे, ए जो रियल पार्ट है और दूसरे का सी प्लस ई जो है वो रियल पार्ट है वो एक जगह आ गया, और सिमिलरली फॉर इमेजिनरी पार्ट बी प्लस डी प्लस एफ। अब क्योंकि ये सारे रियल नंबर हैं और रियल नंबर में अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो हमने ब्रैकेट की जो है वो पोजीशन चेंज कर दी है, ए प्लस सी के गिर ब्रैकेट कर दी, और सिमिलरली डी और बी और डी के जो है वो ब्रैकेट चेंज कर दी, तो दिस इज आवर क्वेश्चन वन। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वैल्यूज डालेंगे जेड वन जेड टू और जेड थ्री की। अब जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ब्रैकेट में उनको ऐड करेंगे, रियल पार्ट आ जाएगा ए प्लस सी, कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा बी प्लस डी, और अगेन एडिंग ए प्लस सी जो कि रियल पार्ट हैं और बी प्लस डी प्लस एफ जो कि इमेजिनरी पार्ट हैं। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, और जो वन एंड टू से हमें ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो करना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री, वैल्यूज पुट कर देते हैं जेड वन की विच इज ए प्लस आयोटा पी, जेड टू की वैल्यू है सी प्लस आयोटा डी, और जेड थ्री की वैल्यू है ई प्लस आयोटा एफ। जो ब्रैकेट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम ऐड कर देंगे, सी प्लस ई आ जाएगा प्लस आयोटा डी प्लस एफ, तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ गई। मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू सी प्लस ई प्लस आयोटा ए इंटू डी प्लस एफ प्लस आयोटा बी सी प्लस सी, और आयोटा
स्क्वायर माइनस वन आ गया और बी इंटू डी प्लस एफ आ गया। तो अब हम रियल पार्ट जो है उनको एक जगह कर लेते हैं, विच इज ए इंटू सी प्लस सी माइनस बी इंटू डी प्लस एफ, और इमेजिनरी पार्ट को भी हम एक जगह करके लिख लेंगे, टोयोटा ए इंटू डी प्लस एफ और प्लस बी सी प्लस ई। तो अब हम रियल नंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ए इंटू सी प्लस ए इंटू ई माइनस बी इंटू डी माइनस बी इंटू एफ प्लस आयोटा ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई। तो हमने माइनस बी डी को पहले लिख लिया और प्लस ए करके ए ई को बाद में लिख लिया बाय कमोटेटिव लॉ। सिमिलरली हम जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसमें भी हम ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी सी अगेन यूजिंग द कमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब हम ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी को एक जगह कर लेते हैं, और इसी तरह ए ई माइनस बी एफ प्लस आयोटा ए एफ प्लस बी ई इनको एक जगह कर लेते हैं। तो इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। ओके, राइट हैंड साइड हमारे पास है जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड वन इंटू जेड थ्री। तो इनकी वैल्यूज पुट करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास जेड टू की वैल्यू आ गई प्लस जेड वन की वैल्यू ए वन प्लस आयोटा बी, जेड थ्री की वैल्यू ई प्लस आयोटा एफ। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, और इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं, और फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हम एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं एसोसिएटिव लॉ यूज कर रहा हूँ, जेड टू प्लस जेड थ्री को मैंने एसोसिएटिव लॉ से इस तरह लिख लिया। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा, जेड इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री। नेक्स्ट फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा, जेड इंटू जेड टू जेड इंटू जेड थ्री विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन एट में हमने आइडेंटिटी को यूनिक शो करना है, तो उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दो एडिटिव आइडेंटिटी है, एक यू वी जो ऑर्डर पेयर है और दूसरा है जीरो जीरो। क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल्स होंगी, एक्स वाई ऑर्डर पेयर प्लस यू वी ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर प्लस जीरो जीरो। अब हम राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लेंगे, राइट साइड पे आ जाएगा एक्स प्लस यू, रियल पार्ट रियल में ऐड कर दिया और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स में ऐड दिया। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड यू गेट एक्स वाई। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो एक्स प्लस यू इज इक्वल टू एक्स, और इमेजिनरी पार्ट जो है वाई प्लस वी वो किसके इक्वल आएगा, वाई के। एक्स वाई यू देयर आर रियल नंबर्स सो यू कैंसिल, तो यू हमारे पास जीरो आ गया, इसी तरह वाई वाई से कैंसिल तो वी हमारे पास जीरो आ गया। तो ये शो हो गया कि आइडेंटिटी जो है वो यूनिक है। तो इस पार्ट पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करेंगे कि वो यूनिक है। तो हमने अगेन सपोज कर लिया कि देर आर टू आइडेंटिटीज यू वी एंड वन जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम दोनों की इक्वेट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इंटू वन जीरो।
लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स यू माइनस वाई वी और एक्स वी प्लस वाई यू, और राइट साइड पे हमारे पास एक्स कॉमा वाई बचेगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो इनको इक्वेट करके हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम x को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो एक्स यू माइनस एक्स, और y v को राइट साइड पे ले जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में y u माइनस y माइनस x v आ जाएगा। अब ये इक्वेशंस तभी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और इनकी राइट हैंड साइड इक्वल आती है अगर हम u को 1 ले और v को 0 ले, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इट शो दैट आइडेंटिटी इज यूनिक। क्वेश्चन 9 में हमने शो करना है कि माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 इंटू जी, माइनस 1 इक्वल है ऑर्डर पेयर माइनस 1 0 और जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट जीरो है तो यही आएंगी, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई ऑर्डर पेयर जेड के इक्वल है, सो इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 10 में हमने एक शो करना है कि माइनस इंटू अयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस अयोटा वाई, और दूसरा शो करना है कि जो एडिटिव इनवर्स है जेड का वो है माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। तो माइनस इंटू योटा वाई इज इक्वल टू माइनस योटा वाई को हम 0-1 ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई को हम लिख सकते हैं वाई 0। अब जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1 इंटू वाई 0। तो 0 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस योटा, और वाई 0 को हम लिख सकते हैं वाई के इक्वल। माइनस से जब हम जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो और आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। जेड और माइनस जेड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास जो आंसर आएगा और राइट हैंड साइड वो हमारे पास 0 विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। और सिमिलरली आप माइनस जेड को पहले लिख के और फिर जेड को बाहर पे रख के भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये इनवर्स हो गया जेड का। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विच इज़ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, लेकिन हम इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को अगेन इन ऑर्डर पेयर। हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स वाई प्लस वाई एक्स, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो एज इट इज हमारे पास आ जाएंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनके रियल पार्ट्स रियल में ऐड करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करेंगे, और कमोटेटिव लॉ से एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स को इक्वल रख के हम के हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी वो ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमा 2xy प्लस y इक्वल टू 0 0। तो xy इज इक्वल टू yx यहाँ पे हमने यूज किया कम्यूटेटिव लॉ से, तो हमारे पास 2xy आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट रियल से इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2xy प्लस y इज इक्वल टू 0।
सेकंड इक्वेशन में से हम वाई कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम लिखेंगे कि टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम y को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर आप इसके रूट्स निकालें तो इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन हैज नो रियल रूट्स, सो इट मीन्स डैट के जो हमारे पास 2x प्लस 1 है ये इक्वल टू जीरो आएगा, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाए माइनस वन बाई टू। अब इस इक्वेशन इस वैल्यू को हम दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहाँ भी x आएगा वहाँ माइनस वन बाई टू पुट करेंगे, तो 1 ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई टू प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। माइनस वन बाई टू प्लस वन से हमारे पास वन बाई टू रह जाएगा, और वन बाई फोर ऑलरेडी है तो वन ओवर फोर प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास थ्री बाई फोर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, और तो वाई स्क्वायर हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर, माइनस माइनस कैंसिल, सो वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई फोर। वाई का हम जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा रूट थ्री बाई टू। तो इसका मतलब है जेड आ गया, एक्स की वैल्यू थी माइनस वन बाई टू और वाई की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जेड की। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।